सो मैं अगर गौरव सिंह वीडियो के साथ, और गाइज आज मैं ऐसी कुछ 5 टिप्स या ट्रिक्स लेके आए जो आपको शॉक कर देंगे, आपका माइंड ब्लो कर देंगे। गाइज इतनी अमेजिंग ट्रिक्स है, आपने देखी नहीं होगी अभी तक इंटरनेट पे, लेकिन हाँ कुछ ट्रिक्स आपको पता होगी, 5 ही ट्रिक्स लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ डेफिनेटली आपको नहीं पता होगी। इसमें मैं मतलब आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा जो गूगल के अंदर ही है, लेकिन आप उसको एनेबल नहीं किया, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो जाने वाली है। वीडियो पसंद जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। विद दैट सेड, हेलो गाइज, दिस इज यश एंड यू आर नाउ वॉचिंग टेक ब्रदर्स, की अपनी टेक की पाठशाला। सो सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है और उसके अंदर सर्च करना है chrome://flags। अब इसके अंदर जो भी आगे वाले आने वाले इंप्रूवमेंट है क्रोम के अंदर, या कोई भी टिप है, नई चीज आएगी, वो इसके अंदर दिख जाती है। हम यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना है ऊपर सर्च बार पे। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा इंटरफेस, सर्च बार पर आपको सर्च करना है पैरेलल डाउनलोडिंग। ओके, सो स्पेलिंग देख सकते हो आप किस तरह से लिखने, क्योंकि आजू बाजू कुछ भी करोगे नहीं बताएगा आपको रिजल्ट्स। तो आप अवेलेबल के अंदर देख सकते हो पैरेलल डाउनलोडिंग, आप उसको जस्ट इनेबल करिए, और इससे आपकी जो कि डाउनलोडिंग स्पीड 2 गुना इंक्रीज हो जाएगी। रीलॉन्च नाउ पे क्लिक कीजिए और क्रोम अपने आप ही बंद होकर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल भी बता रहा हूँ कि कैसे आपकी डाउनलोडिंग स्पीड तेज हो जाएगी, आप देख सकते हो। तो सेकंड ट्रिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पे जाना है क्रोम पे, उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद सर्च इंजन, उसमें आपको नया ऑप्शन दिखेगा duckduckgo.com। सो गाइस ये बहुत ही अच्छा सर्च इंजन है, जहां से आप गूगल के अंदर ही duckduckgo के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। यहाँ से रिजल्ट बहुत ही इंस्टेंट मिलता है और बहुत सेफ मिलता है, कोई एड्स नहीं देखने मिलेगा आपको, यहाँ पर कोई पायरेटेड थिंग नहीं देखने मिलेगी, तो यहाँ पर ही बहुत ही सेफ थिंग है। तो आप यहाँ पर इसको ट्राई दीजिए, आप इसको सर्च इंजन सेट कर सकते हो अपना, सो कि इस तरह का लोग है। तो ये थी सेकंड ट्रिक जो आपको शायद नहीं पता थी। गाइस थर्ड ट्रिक की बात करते हो, तो यहां पर आपको क्रोम के अंदर फ्लैग्स खोल के वहां पर लिखना है, सर्च करना है क्रोम ड्यूट। गाइस देख लीजिए स्पेलिंग, यहां पर आपको एक ही सर्च मिलेगा, यहां पर आपको उसको इनेबल करना है। क्लिक कीजिए इनेबल पे और रीलॉन्च कीजिए अपना ब्राउजर। गाइस अब जो मिलेगा आपको इंटरफेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नीचे आपको एक नया ही टैब आ जाएगा, जिससे आपको इंस्टेंटली जो भी चीज सर्च करनी है, होम पे जाना है, 3 डॉट और सारे टैब्स के सेक्शन वही मिल जाएगी। अगर आपका 6 इंच से ज्यादा बड़ा फोन है तो आपको क्रोम चलाने में मुश्किल होगी, लेकिन ये चीज आपकी सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम। तो गाइस उम्मीद ये नई ट्रिक आपको पसंद आएगी। फोर्थ टिप की बात करते हैं, ट्रिक की बात करते हैं, आपको फ्लैग्स के अंदर जाना है फिर से, और यहाँ पर सर्च करना आपको हिस्ट्री नेविगेशन विद जेस्चर। हिस्ट्री लिखोगे और नेविगेशन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, गाइस देख सकते हो आप, यहाँ पर आप सर्च आ गया हिस्ट्री नेविगेशन विद जेस्चर, जस्ट इसको इनेबल कीजिए, ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम आसान कर देगा। रीलॉन्च करो इस साइट को और ये अपना फिर से खुलेगी एज यूजुअल। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा, सर्च करूँगा, यहाँ पर मैं एनीथिंग सर्च कर रहा हूँ, हाँ एनीथिंग। अब आप देख सकते हो duckduckgo के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आए। फर्स्ट वेबसाइट पर जाऊँगा और आप देख सकते हो इसके जेस्चर का काम कैसे होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर स्लाइड राइट कर रहा हूँ तो ये पीछे चला जाएगा जहां पर था, आप देखो स्लाइड लेफ्ट करूंगा तो ये फिर से आगे चला जाएगा। सो गाइस ये इजी बना देगा, अगर आप 6 इंच या उससे ज्यादा का फोन यूज कर रहे हो तो आपको ये इजीली जेस्चर थ्रू आप क्रोम में एक्सेस कर सकते हो। सो ये बहुत ही अमेजिंग फोर्थ फीचर लगा मेरे को, टिप लगा, आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए अपने क्रोम के अंदर। लास्ट टिप की बात करते हैं जो आपको क्रोम में यूज कर सकते हो और डेट विल ब्लो योर माइंड। यहाँ पर आपको एक्सेस लिखना है और ये कुल मिला के होता है एक्सेसिबिलिटी टैब स्विचर, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, यहाँ पर आप उसको इनेबल करना है। और ये जो कि आपके टैब और भी कस्टमाइज मोड में होता है, यहाँ पर हॉरिजेंटल देखते हैं आप, वर्टिकल देखते हो, यहाँ पर ये जो कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बताएगा, भी आप देख सकते हो एग्जांपल अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल टिप आपको मैं दे रहा हूँ ये क्रोम के अंदर जो आप यूज कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा कस्टमाइजेबल थिंग अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने टैब पे क्लिक किया और आप देख सकते हो कुछ गिने चुने, मतलब ऐसे टैब्स आपके शो करेंगे, नॉट लाइक ओल्ड जैसे वो पूरा बड़ा बड़ा दिखाते थे। सो ये था 4 ट्रिक। तो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो, 5 टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने थे गूगल के, डेट विल शॉक यू, और डेफिनेटली आप शॉक हो गए कहीं ना कहीं, कोई ना कोई टिप पे या ट्रिक पे कि ये भी हो सकता है कि गूगल के अंदर। तो गाइस ये थी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद है वीडियो पसंद आए, पसंद आए जरूर से लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, क्या खड़े बैठे हो यार, वीडियो पसंद जरूर से सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक देख रहे हो तो। सो गाइस मैं चलता हूं, मिलता हूं आपको अगली ऐसी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के अंदर। सो गाइस दैट्स फॉर द वीडियो, बाय बाय।